बहराइच में बवाल के बाद एक्शन तेज हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई गोलीबारी के मुख्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। थाना हरदी के प्रभारी और महसी चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तो देख सकते हैं बहराइच में जो बवाल हुआ है उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। मृतक के शव को रखकर यहां पर हंगामा किया गया और अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। इन दोनों तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं और कितनी बड़ी तादाद में यहां पर लोग इकट्ठा हो गए। आसपास के गाँव के लोग भी इकट्ठा हुए जिनकी तरफ से यह हंगामा किया गया है। परिवार वालों में मातम पसरा हुआ है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल प्रतिमा विसर्जन के लिए यहां पर यात्रा निकाली जा रही थी जिस दौरान फायरिंग और पथराव हुआ जिसमें एक शख्स को मौत के घाट भी उतार दिया गया। लगभग 25 से 30 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और सभी जगह जहां पे डिस्टर्बेंस हुआ है स्थिति को बहुत तेजी से नियंत्रण में लाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी जगह अब विसर्जन दोबारा शुरू हो गया है। पर्याप्त पुलिस बल उसके साथ लगाया गया है और हम सभी लोग मौजूद रह के सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पे भी किसी भी विसर्जन में कोई बाधा ना आने पाए। पुलिस द्वारा सभी जगह विस्तृत इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और सभी इस तरह के अराजक तत्वों को आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी और ये विसर्जन समाप्त करने के बाद तत्काल हमारी जो धरपकड़ की कार्रवाई है वो आरम्भ हो जाएगी। और चलिए सीधा रुख करते हैं बहराइच से। ऋषमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही अखिलेश कुमार भी हमारे साथ बहराइच से जुड़े हुए हैं। ऋषमणि के पास पहले मैं आना चाहूंगी। ऋषमणि, बताया जा रहा था कि शव को अब हाईवे पर रखकर जाम लगाने की तैयारी है और वहां से अब शव को ले जाया गया है। कहां ले जाया गया, कोई जानकारी मिली हो तो बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त महसी तहसील पर ही मौजूद हूं और जैसा मृतक के परिजनों की ओर से बताया गया था, जो आक्रोशित ग्रामीण थे उनकी ओर से बताया गया था कि महसी तहसील पर ही शव रख कर प्रदर्शन किया जाएगा और उनकी जो भी मांगे होंगी वो यहां पर ही रखी जाएंगी। एहतियात के तौर पर यहां पर भारी पुलिस बल तैनात हो गया है। एडिशनल SP की अगुवाई में यहां पर तमाम पुलिसकर्मी यहां पर आ गए हैं जो कि बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, शील्ड, डंडों वगैरह से लैस हैं ताकि कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति यहां पर बिगड़ती है तो उससे निपटा जाए। तो वहीं मेरे दूसरी तरफ बाएं तरफ वो सड़क दिख रही है जहां से बताया जा रहा है कि शव महसी तहसील तक लाया जाएगा। उस पूरे रास्ते पर भी पुलिस तैनात है, वहां पर तमाम पुलिस की गाड़ियां देखी जा सकती हैं। कुछ दूर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग भी कर दी है। पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश यही करेगा कि जो भीड़ है वो महसी तहसील तक ना पहुँचे, चंद गिने चुने हुए लोग ही तहसील तक पहुँचे और जो भी उनकी मांगे हैं वो वहाँ रख सकते हैं। तहसील के अंदर भी पुलिस बल तैनात हो गया है। PAC की एक गाड़ी वहाँ पर आ चुकी है। तमाम PAC के जवान तहसील के अंदर भी पहुँच गए हैं। तो अब सबसे बड़ी जो चुनौती बहराइच पुलिस प्रशासन के लिए है वो यही है कि शव का कैसे अंतिम संस्कार करवाया जाए। चूँकि जो सबसे बड़ी चुनौती पहले थी कि दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन हो, वो तमाम कोशिशों मशक्कत के बाद वो करवा दिया गया है। अब जो अगली चुनौती है वो यही है कि मृतक के शव का अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। लिहाजा यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलमेट से लेकर जो पंप एक्शन गन होती है जिसको एंटी राइड गन कहा जाता है वो भी लेकर यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद हैं कि अगर किसी भी तरह से यहाँ पर कोई स्थिति बिगड़ती है तो उससे निपटा जा सके। मैं खुद मृतक के आवास पर था, वहां भी लगातार ये मांग की जा रही थी कि सीनियर पुलिस अफसर। चलिए ऋषमणि त्रिपाठी, मैं लौटूंगी आपके पास। अखिलेश कुमार हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनके पास कुछ अपडेट है। अखिलेश, जहां पर आप मौजूद हैं क्या हलचल इस वक्त वहां पर? तो लगता है संपर्क उसके बाद। जी जी बोलिए। मौजूद बताया जा रहा है कि महसी में जो तनावपूर्ण है, ये भी कहा जा रहा है जो शव है वो लोग परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है
कि जो घटना हुई है उसके जो आरोपी हैं, इसमें जो शामिल थे जिन्होंने ऐसा कांड किया है, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हो। और लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जैसी घटना गोलीकांड से इसकी मौत हुई है वैसे अब वो खून का मतलब खून मांग रहे हैं। इसको लेकर अब हालात बेहद खराब है। डीएमएसपी भी मौके पे मौजूद है, फ्लैग मार्च कर रही है और स्थितियों को कंट्रोल करने में कोशिश कर रही है। लेकिन जो लोग हैं महसी इलाके के, जो क्षेत्र के लोग हैं, वो सैकड़ों हजारों की संख्या में महसी तहसील की तरफ बढ़ चुके हैं। सौ भी खिचारपाई पे लिए हुए हैं और उसके बाद भी अब यहाँ नाकाबंदी शुरू हो गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये डीएम की गाड़ी है, डीएम की गाड़ी देखी जा रही है, ये महसी तहसील की तरफ गाड़ी आ रही है, इसके पीछे एसपी की गाड़ी है और पूरा स्क्वाड है। डीएम का जो पूरा स्क्वाड है, एसपी का जो स्क्वाड है, पीएससी बल तैनात है, 8 कंपनियां यहाँ पीएससी तैनात है, पूरी मुल्क को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो इलाके के क्षेत्र के लोग हैं वो कह रहे हैं कि खून हुआ है, हत्या हुई है, हत्या का बदला हत्या, और वे भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती गई जिसकी तरह जिसके बाद ये घटना हुई है। ये देखिए पूरा स्क्वाड जा रहा है, ये पीआरवी है, है, ये देखिए एसओजी है और जो गाड़ियां हैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पीछे देखिए भीड़ है। महसी तहसील से ये 500 मीटर की दूरी की भीड़ लगी हुई, लोग ने अब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। देख सकते हैं कि लोग अब लाठियों हाथ में लाठियां लेकर आ रहे हैं और जो ट्रकें तो कुल मिला कि जो और अब पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के लोग सड़कों पे हैं, ये आठ कंपनियां हैं जो नियंत्रण करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग अब जो पुलिस की कार्रवाई जो शुरुआत हुई है, फरियाद दर्ज हुई है, 25 लोग को गिरफ्तार किया गया है, उसमें संतुष्ट नहीं। उनका कहना है कि जैसी कांड हुआ है उसका बदला। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, ऋषिमणि त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। ऋषिमणि त्रिपाठी, जरा दिखाइए क्या हलचल वहां पर अभी नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि काफिला वहां पर पहुंच गया है जहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त, जो मृतक को लाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये शव यहां पर पहुंचने वाला है किसी भी समय। मैं महसी तहसील पर ही मौजूद हूं और ये देखिए यहां पर जो बहराइच की डीएम है उनकी गाड़ी यहां पर आ गई है। बताया जा रहा है यहां पर बहराइच की डीएम को चूंकि बुलाने की मांग की गई थी, जो सीनियर अफसर हैं वो यहाँ मौके पर पहुँचे, ये मांग की गई थी, तो डीएम और एसपी यहाँ मौके पर पहुँच चुकी हैं। और देखिए मैडम, क्या आप ये बता पाएंगे अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, अगर आप ये बता पाएं कोई पुलिस। देखिए डीएम और एसपी यहाँ मौके पर मौजूद हैं, महसी तहसील पर पहुँच चुकी, उनके साथ में यहाँ पर तमाम पुलिस बल मौजूद है और जो पीड़ित परिवार है उसकी भी यही मांग है कि जितने सीनियर अफसर हैं वो मौके पर पहुँचें तो शायद जो भी उनकी मांगे हैं उसको लेकर के कुछ बातचीत होगी और तब वो शायद कुछ किसी अंजाम तक ये बातचीत पहुँचेगी। क्योंकि जब हमने सुबह बात की थी तो वो काफ़ी आक्रोशित थे, काफ़ी उग्र थे और उनकी लगातार यही मांग थी कि हमें जान के बदले जान चाहिए। तो अब देखना ये होगा कि उनकी जो मांगे हैं उससे कैसे बहराइच का जो पुलिस प्रशासन है वो कैसे डील करता है। तो अभी शव नहीं पहुंचा है महसी तहसील पर। देखिए डीएम और एसपी यहां महसी तहसील पहुंच गए हैं लेकिन पूछे जाने पर भी मीडिया से अभी कोई उन्होंने बातचीत नहीं की है। अब देखना यही होगा कि अब इस सिचुएशन से बहराइच का पुलिस प्रशासन कैसे निपटता है। ठीक है, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। ऋषिमणि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस पूरे मसले को लेकर, पूरे हंगामे को लेकर, बवाल को लेकर और एक्शन को लेकर ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है आपको वो भी सुनवाते हैं। देखिए कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है, जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी, स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं और जो पुलिस वाले उनके ऊपर भी कुछ कहा है। जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करने में, पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों पर भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कह रहा है कि देखिए विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करे।
प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी बहराइच की घटना को लेकर दुख जताया है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि महसी में हुई घटना गंभीर है और दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन को उपद्रवियों को चिन्हित कर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। ऋषभमणि त्रिपाठी के पास चलते हैं एक बार फिर से। ऋषभमणि, अभी क्या हालचाल है, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी भी शांत नहीं हुआ है लोगों का गुस्सा और यहां पर बड़ा हंगामा, बड़े बवाल की तैयारी वो कर रहे हैं। बनती है तो उससे निपटने की कोशिश करेंगे। तो ऋषभमणि से जुड़ेंगे हम, फिलहाल इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। बहराइच में जो बवाल हो रहा है उसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, क्योंकि स्थिति संभल नहीं रही थी। आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और उसके बाद से ही लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। तो देख सकते हैं आप, लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये काफिला अब हाईवे पर शव को रखकर जाम लगाएगा। ऋषभमणि त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जूम करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आक्रोशित भीड़ जो लाठी डंडों से लैस है, वो शव को चारपाई पर रखकर, अपने कंधों पर रखकर, देखिए यहाँ महसी तहसील की ओर आ रही है। अभी अभी एसपी डीएम भी यहाँ मौके से निकलकर आगे गए थे। पुलिस प्रशासन ने तमाम कोशिशें की हैं कि जो पीड़ित परिवार है, जो आक्रोशित ग्रामीण हैं, उनको समझाया जाए, और लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बनी है। हालांकि पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है, 25 आरोपियों को डिटेन किया गया है, जो मुख्य आरोपी है उसकी तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है, लेकिन जो पीड़ित ग्रामीण हैं, आप देख सकते हैं ये सैकड़ों की संख्या में महसी तहसील की ओर आ रहे हैं, और जो इनकी तैयारी है, जैसा बताया गया था गांव में भी कि महसी तहसील पर ये शव रख के धरना प्रदर्शन किया जाएगा और तभी अपनी मांगें पेश की जाएंगी। हालांकि अभी जो आक्रोशित भीड़ है वो रामगोपाल के हत्यारे को फांसी देने की मांग कर रही है, और भारी पुलिस बल भी यहां पर तैनात है। पुलिस बल अपने पूरे साजो सामान के साथ यहां पर मौजूद है, जितने भी उनके पास लाठी डंडे, राइफल, पंप एक्शन गन, बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, शील्ड से सब लैस हैं, लेकिन अभी भी जो पीड़ितों का आक्रोश है वो यहां पर बढ़ता जा रहा है। अब ये चुनौती है बहराइच पुलिस प्रशासन के लिए कि आखिरकार वो अब इस स्थिति से, इस हालात से कैसे निपटते हैं। देखिए हम भी चंद कदमों पे महसी तहसील है, महसी तहसील हम पहुंच चुके हैं। अब देखना यही होगा कि यहाँ पर यही पर ये स्थिति बनेगी। उनके परिजन भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या मांग है आखिरकार आपकी, क्या मांग है आपकी? फांसी चाहिए अब्दुल हमीद को, फांसी। क्या मांग है आपकी? फांसी चाहिए, फांसी अब्दुल हमीद को, फांसी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फांसी की मांग की जा रही है आरोपी के खिलाफ, और ये देखिए शव लेके ये हरदी थाने और के पास पहुंच गए हैं। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, यहाँ पर मौके पर बैरिकेडिंग के इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन पुलिस भी यहाँ पर भारी पुलिस इंतजाम किया गया है। लिहाजा अब देखना यही होगा कि कैसी स्थिति यहाँ पर बनती है। जो परिजन है उनका यही कहना है, जो आरोपी है अब्दुल हमीद उसको फांसी दी जाए, उसको फांसी की मांग की जा रही है। अब कोई अप्रिय स्थिति ना आए इसको देखते हुए यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अब देखना यही होगा कि पीड़ित पक्ष से कौन बातचीत के लिए आता। और ये देखिए तहसील के ठीक सामने, महसी तहसील के ठीक सामने सड़क पर शव रख दिया गया है और यहाँ पर जाम लगाया जा रहा है। जमकर नारेबाजी हो रही है पुलिस प्रशासन के खिलाफ। और आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। ग्रेटर नोएडा की अब बात करते हैं, जहां पर
माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है। असामाजिक तत्वों ने मंदिर में स्थापित मूर्ति को खंडित किया है। थाना जारचा के झोलस गांव की यह घटना बताई जा रही है। ग्रामीणों के हंगामे पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद विधि विधान से नई मूर्ति की स्थापना की गई है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट रही है। तो गुस्साए ग्रामीणों ने यहां पर हंगामा किया है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।